भाजपा के अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास की नियुक्ति के बाद अलग अलग संगठनों में अलग अलग जगहों पे नियुक्ति होनी थी। पहले उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष सम्मानी देवी प्रसाद उपाध्याय थे, उनकी अस्वस्थता के कारण एक निर्णय लेना पड़ा और जिला भाजपा के अध्यक्ष रवि व्यास जी ने वो नियुक्ति पत्र सुरेश सिंह जी को दिया। आज इसीलिए लोग जो है यहाँ उपस्थित हैं और उनकी शुभकामना देंगे। उत्तर भारतीय कोई लालची नहीं होता, मेहनत का सोता है, मेहनत करता है। उत्तर भारतीय को लुभाने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तर भारतीय मतलब उत्तर देता है, समय पर उत्तर देता है। कभी कभी समय समझने में देर होती है, इस समय में समझने में देर नहीं हुई है। उत्तर भारतीय कोई लुभाने की बात नहीं। उत्तर भारतीय और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं, गंगा और गोदावरी है। अरे दोनों मिल गए हैं, उसका परिणाम आने वाला समय आएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। सब भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले, सभी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकारने वाले, सभी महाराज के देवेंद्र फडणवीस जी को अपना नेता मानने वाले, चंद्रकांत दादा पाटिल को अपना लीडर मानने वाले, सब भारतीय जनता पार्टी लोग इकट्ठा होंगे। कोई इधर नहीं उधर नहीं होगा। भैया आने वाले जितने भी नेता होते हैं, चाहे वो चंद्रकांत दादा पाटिल हो, देवेंद्र फडणवीस हो, आप हो, सिर्फ यही दिलासा देते हैं कि पार्टी के अंदर से जो कला है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इतने कला नहीं है, थोड़ी समझ की बात है। कला बिल्कुल नहीं, मैं साफ तक जाना चाहता हूँ, कला नहीं है, थोड़ी विचारों में कुछ है। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो थोड़े अलग ढंग के विचार जो वर्तमान मतलब मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से थोड़ा इधर उधर जा रहा है, सब एक दिन इकट्ठा हो जाएगा। आप ही लोग जय जय कर रहा हूँ और जल्दी आपको नतीजा दे दूँगा। बेवकूफ़ उत्तर भारतीय कोई बना ही नहीं सकता। उत्तर भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने वाला उसको समझना पड़ेगा। अगर उत्तर भारतीय बेवकूफ़ होते तो जिस पार्टी से कृपा शंकर की पहचान थी, जिस पार्टी से कृपा शंकर को सब कुछ मिला था, अगर मूर्ख होता तो पार्टी नहीं छोड़ता, वहीं पड़ा रहता। हम देश के साथ हैं। भारतीय भवन का मुद्दा अभी भी लटक रहा है, हमेशा उत्तर भारतीयों को ये लॉलीपॉप दिया जाता है सीधे शब्दों में। उत्तर भवन उसकी मुझे लगता है कि स्वीकृति हुई थी, कुछ जमीन को लेकर के अलग अलग विचार थे। चार पांच संस्थाएं उत्तर भारतीय की थी, अलग अलग उत्तर भारतीय संस्था क्लेम कर रही थी मुझे दे दो। उसमें देर हो गई और सरकार बदल गई। लेकिन मैं कह सकता हूँ उत्तर भारतीय भवन बनेगा और जल्दी बन के रहेगा। अभी थोड़ा देश की तरफ चलते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आर्टिकल 370 हटाए जाने क्या मतलब है। हम बार बार कहते हैं कश्मीर मेरा मुकुट है, कश्मीर हमारी शान है, और कश्मीर हमारा होता नहीं था। वहाँ एक विधान नहीं है, दो विधान है, दो झंडे हैं। तो क्या है उसके लिए 370 के हटाए जाने का विरोध करने वाले मेरी निगाह में हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। आप इसको कितना वाजिब मानते हैं सर? अरे हम तो डिवाइन वाले हैं, वो वाइन वाले हैं। वो वाइन की बात करेंगे, हम डिवाइन की बात करेंगे। अब सरकार ही शराब, अब तो गांधी जयंती के दिन तो लोग ये शरबत नहीं पिएंगे, वाइन पियेंगे। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने फैसला लिया है उनका बगैर वाइन नहीं चलता, पेट गिरेगा। आज जो गलत ढंग से इलीगल शराबें बेची जाती थी, लोग जाके पीते मर जाते थे ना, बंद हुआ थोड़ा बहुत और कोशिश की गई। लेकिन राशन की दुकान पे वाइन मिलेगा तो राशन कहाँ मिलेगा? खराब है कि एक उदाहरण बताना चाहता हूँ आपको। एक बार एक राजा अपने घोड़े बैठ जा रहा था, वहाँ उसकी परीक्षा लेनी थी। तो वहाँ पूछा, तीन चीज़ यहाँ पे है, एक लड़की है जिससे तुम शादी करो, एक शराब है उसको पियो, और एक है कि मांस है वो खाओ। वो ब्राह्मण राजकुमार ने बोला, ये तो तीनों हमारे संस्कार में नहीं है। तो बोले फिर आगे आप जा नहीं सकते हो। उसने तीनों के बारे में सोचा, उन्होंने कहा क्या करूं, ये शराब थोड़ा पी लेता हूँ, कड़वा पी के निकल जाऊँगा। जैसे शराब पिया, बोला खाने के लिए क्या है, मांस भी आ गया। दो और पिया, बोला इस लड़की से मेरी शादी करा दो। तो शराब कितनी ख़राब है बताने की जरूरत नहीं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 80 के पार का एक नारा यहाँ का जिला भाजपा का अध्यक्ष
रवि व्यास जी ने दिया है वो पूरा होगा, और टिकट बंटवारे में कोई मतलब ऐसा नहीं होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। भारतीयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? इसमें हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम अपने उत्तर भारतीय समाज को सबसे पहले जोड़ने की कोशिश करेंगे, और आपने यहाँ पे आज जो देखा जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उत्तर भारतीय समाज को जोड़ने में सक्षम रहूँगा, ये मुझे एहसास हो रहा है, और आगे समय में आप सबको ये दिखेगा। मैं आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, आज के 7 साल पहले ही मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका था, और इसके पहले मैं उत्तर भारतीय संघ का 5 साल 2014 से लेकर के 2019 तक उत्तर भारतीय संघ जो हमारा उत्तर भारतीय समाज है उसका मैं मीरा भाईंदर का अध्यक्ष था, और उसी समय मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, और आज हमको बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा का जो अध्यक्ष बनाया गया, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे समाज ने ये जो आज मुझे सम्मान दिया है मैं उसको अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करूँगा।